हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अनदर व्लॉग डे। तो या अभी आपने देखा, मैंने माली भैया से थोड़ा बहुत काम करवाया है एंड अब मैं तैयार हो चुकी हूँ। पता नहीं क्यों मैं कैमरा में बहुत ज्यादा ही तैयार लग रही हूँ, बट मैं इतनी तैयार नहीं हुई। मैंने थोड़ा बहुत ही करा मेकअप, पता नहीं क्यों मैंने इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग शेड लगा लिया है, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे आज लगाने का मन कर रहा था तो मैंने लगा लिया। आपने कभी मेरे को इतना ज़्यादा गॉडी देखा नहीं होगा, बट एनीवेज, तो अभी हम शुभा के घर जा रहे हैं, उसके बाद हमें थोड़ा बहुत काम है, एक हमने माइक लेने जाना है, तो या ताकि आप लोगों को अच्छी अच्छी ऑडियो आए, और उसकी वीडियो पे भी, मेरी वीडियो पे भी एंड पापा की वीडियो पे भी। तो या वी आर गोइंग टू गेट दैट माइक। तो अभी आपको बाकी सारी डिटेल्स मैं उसके साथ मिलकर ही बताती हूँ, क्योंकि टेक का वो है तो उसको ज़्यादा डिटेल्स पता, ज़्यादा बता सकेगा क्या माइक क्या नहीं। तो या विदाउट एनी ड्यू लेट्स गो। Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. So guys, ये आ चुके हैं हमारे साथ, इसके साथ, और हम कुछ और अच्छा ही प्रिटी लग रहा हूँ, तो इसने भी आते ही तारीफ करी। ओए होए, पुराने टाइप वाली गुंजन थोड़ी, अभी भी थोड़ी कमी है, जो बीच में गायब हो गई थी बहुत हद तक, और उसका वो लुक, वही जो बीच में गायब हो गई थी, फेस होए होए कितना निखर के आ रहे थे। ओए, पहली बार चटकी है भाई, दोनों हाथों की, वो भी इतनी तेज, और क्योंकि आज ना मुझे हर कोई घूरता हुआ जा रहा था, लाइक मैं जब ड्राइव करके आ रही ना, लाइक हर कोई घूरता हुआ जा रहा है। हाँ, वो तो है, होती थी तू तू होती थी तो हर कोई घूरता ही था, और हर कोई लाइन भी मारता था, और इसको तब वो लाइक तब इसके लिए थोड़ा वो हो जाता था कि लाइक हाँ मेरी बंदी पे हमेशा लाइक नजर और लाइक लाइन मार रहा है, यू नो, है ना। अभी मैं किसी का पॉडकास्ट ही सुन रही थी, पॉडकास्ट, किसी का पॉडकास्ट ही सुन रही थी, उसमें भी ना उन्होंने लाइक अभी जैसे जनवरी से जो शुरू हो रहा था, मरकरी अर्थ से थोड़ा तेज बट और सन के अराउंड स्लो रिवॉल्व कर रहा होता है, जिस वजह से हमें ये लगता है कि मरकरी पीछे को जा रहा है। तो आई डोंट नो, मुझे पूरा नहीं पता, मैंने वही बस सिर्फ थोड़ा बहुत पॉडकास्ट में ही सुना था। तो या उस वजह से ना अभी लाइक सबके लाइफ में थोड़ा चल रहा था कि लाइक स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से काम जो होने हैं वो थोड़ा डिलेड होके होंगे बट हो जाते हैं। और ये मुझे लोग इसलिए मारा क्योंकि ये चीजें बोलता, मैं ऐसे तो विश्वास नहीं करती। तो मैं एस्ट्रोलॉजी, मैं वैसे तो बिलीव नहीं करता, करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी नहीं है, मेरे को ये पता है कि जो ये बोलता है ये प्लैनेट्स हम पे इफेक्ट करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं, बस मैं वो चीज बिलीव मानता हूँ कि हाँ करते हैं। और एस्ट्रोलॉजी पे इसलिए बिलीव नहीं करता क्योंकि आज के टाइम पे मैक्सिमम लोगों को ना एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, तो वो गलत गलत चीजें बताते रहते हैं, तो फिर लोगों को पता नहीं किन किन चीजों में डालते हैं। हमारे जो यहाँ इंडिया की वो नदियां हैं वो इसी वजह से गंदी है, वो कहते हैं ये करो वो करो फलाने ढिकाने, नॉलेज है नहीं ऐसे ये। तो ये वो एस्ट्रोलॉजी नहीं थी, ये था कि वो फेज चल रहा था, अब खत्म हो चुका है। चल तू आगे देख के चला। के स्टार्टिंग के उस पे खत्म हो चुका है भाई, सड़क के बीच में बीच भाई बहुत सारे पुलिस वाले बीच सड़क पे आ रखे। आई गेस मेरे भाई ना लो कर रहा है, उसने बताया था कि पुलिस वाले ऐसे बीच में आके नहीं रोक सकते किसी को, क्योंकि एक तो ये पब्लिक के लिए भी हार्मफुल होता है कि वो एकदम स्पीड में होते हैं और वो होता है, और उनकी खुद की सेफ्टी नहीं है यार, सड़क और जो जैसे जो गलत इंसान है ट्रैफिक रूल्स ब्रेक कर रहा है वो भी आ रहा है, तो वो डर के मारे एकदम ब्रेक मारेगा, तो बहुत ज्यादा एक्सीडेंट। हाँ, तो लो है, अब कोई लॉयर हो तो बताना कि ऐसा है कि नहीं है, कि ऐसे नहीं रोक सकते। हाँ, तो मैं कहता, हाँ तो मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करता, बट मेरे को ये चीज एग्जैक्टली पता है कि हर एक प्लेनेट का, मून का, सन का ना, हर एक ह्यूमन पे इफेक्ट होता है, तो भाई इसीलिए मैं बता रही हूँ। मैं ये चीज इसको बोलता था इसी लैंग्वेज में ना, कहते नहीं 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 कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, मैंने ये बोला था कि ठीक है बट हम उससे लाइक वो नहीं करना चाहिए कि हाँ उसी पे डिपेंड हो जाओ। हम, मैंने नहीं बोला उस पे डिपेंड हो जाए कि हम उस पे ही बैठे रहे कि कब वो चेंज होंगे, कब हमारे पे अच्छा इफेक्ट आएगा, वही तो। लेकिन हम एज अ ह्यूमन हर चीज का थोड़ा बहुत उसपे लाइक, अगर हमें पता है ना कि वो चीज ये इफेक्ट देने वाली है, हम अपने कर्मों से उस चीज को चेंज कर सकते हैं। हाँ, वो तो पता है, मैं वो चीज बोलती हूँ हमेशा से, कर्मों से, मेहनत से, ना कि ये कुछ ना कुछ। मैं भी वही बोलता हूँ, बट मैं ये कहता हूँ इफेक्ट तो है। हम माइक ले जा रहे हैं भाई, हमने ऑनलाइन माइक, मैंने ऑर्डर करा था कल रात को, 2000 रुपए का है, तो ना उस पे पहले था कि आज आने वो सुबह तक आ जाएगा, बट मैं 10 मिनट बाद ऑर्डर करा तो वो एक दिन शिफ्ट आगे खिसक गया, तो मैंने कर दिया, बट चलो कोई नहीं ऑर्डर कर देता हूँ। फिर मैंने सोचा यार ऑर्डर करूँगा, कल आएगा, कल नेक्स्ट डे आएगा, जब हम आज ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके नेक्स्ट डे आना है, तो मैंने सोचा नेक्स्ट डे आएगा तो अच्छा कहीं स्टोर वोर से चल के ही ले लेते हैं।
और मैंने स्टोर वो चेक करे और आज सुबह कॉल करके पूछा स्टोर पे 500 रुपए सस्ता है माइक। 500 रुपए नहीं सॉरी 700 रुपए सस्ता है माइक। बताओ भाई मैं तो हिल गया देख के। भाड़ में ना मैंने ऑर्डर कैंसिल करा अमेजोन पे और अब सीधा जा रहे हैं उस स्टोर पे लेने। yes, और कौन सा माइक है वो भी बता दो क्योंकि मैंने बोला था कि टेक वाला ये है तो ये बताएगा थोड़ा। वो आएगा शॉटगन माइक सबसे सस्ता अच्छी क्वालिटी रोड वाली क्वालिटी जो 6000 का माइक आता है ना वो वाली क्वालिटी वाला माइक है 2000 से कम 700 में 1300 में। तो हम आ चुके हैं। अरे जरा तुम दुकान दिखा नहीं रहे ना मतलब दिख नहीं रही ना तुम्हें दुकान नहीं दिख रही ना तो मुझे लगा हम आए नहीं अभी हमें दिखा नहीं है। मार्केट आ गए। हाँ तो हम द्वारका की मार्केट आ चुके हैं। द्वारका की मार्केट ये है ये फिर रामफल चौक जो कि द्वारका के पास है द्वारका के पास ही है ना। हाँ तो बस और हम यहाँ पे अभी दुकानें ढूंढ रहे हैं जो कि हमें दिख नहीं रही मुझे तो लग रहा है सही आ गए हमने ले लिया है 2 मिनट में काम भी हो गया लिटरली लाइक 2 मिनट्स। यही चीज ऑनलाइन में भी बेचते हैं नहीं बहुत सारा उनके पास रखा था एंड प्लस हम जो शॉप पे देख रहे थे वो ओनली ऑफिसर शॉप पे थे वो शॉप नहीं एक्चुअली पूरा गोदाम ही है ऑनलाइन के लिए। हां यहां पे इन्होंने गूगल पे एड्रेस डाल रखा है तो यहीं से आके ले लिया। यस एंड यहां सच में कितनी प्रिटी सी लग रही है यार नाइस आई लाइक इट ओरिजिनल ऑथेंटिक प्रोडक्ट है क्योंकि क्यूआर कोड वगैरह भी है। मैंने ना वैसे भी आते हुए रिव्यू देखे पहले बहुत से लोगों ने डाल रखा था ये माइक वगैरह के लिए कि इनके पे क्यूआर कोड वगैरह नहीं होता नकली है फेक है पर मैं देख लेता सही है। यस एंड अब हम दोनों को लग रही है बहुत तेज भूख क्योंकि सुबह से मैंने भी नहीं खाया था मैं माली भैया के साथ काम करा रही थी और इसने फ्रूट्स खाए थे भूख बढ़ जाती है उससे बहुत तेज भूख लग रही है इसलिए मैं अभी गाड़ी में भी चढ़ते हुए आ रही थी और मैं वो खाता नहीं वो चीज तो मेरे को और भूख लग रही है देख के। हां और मैं क्रंच करके पूरा एएसएमआर बना सकती हूं मैं पूरा ही बनेगा चाहे तू 1 मिनट का डाल 10 मिनट का डाल वो होगा तो पूरा ही अब हो गया निकल लिया और जबकि मैंने कुछ फाउंडेशन कुछ भी नहीं लगाया है। चले अब चल लो चलो 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 चल के पहुंचो मैं गाड़ी से आऊंगी। हम देखते हैं हम कहाँ जाते हैं अभी आपको बताते हैं। ये चल रही थी जो कि है सोयाबीन के स्नैक्स पता नहीं क्या है सोयाबीन के बट अच्छे हैं ये मेरे को तो नहीं और ये लाइक थोड़ा सा इतना भरा हुआ था और मैंने इसको ग्राम से कम मैंने ऐसे लिया था ये पूरा खा के दिखाई दिया ना इसी चक्कर में खा जाएगी तू एंड और ये ऐसे ही देख लो देखा इन्फ्लुएंस चले डैडी तुम ले आके जल्दी देखो इन्फ्लुएंस। One eternity later चलो अब चल क्यों नहीं रहे रास्ता तो निकाल लू कहाँ गया चलो ना यार बेबा देखने तो जाना कहाँ पे है। अबे ये क्या ओए क्या हुआ ये क्या हो रहा है कुछ नहीं मैं जा रहा हूँ। अबे अबे यहीं पे जगह आ जा जो हमने ढूंढ लिया है जो हम उससे देख रहे ये देख वही खड़े हम निकलो वापस। वाह वाह देखा मैंने पहले बोला था गाड़ी में बैठना ही नहीं है वाह यार यार मेरा बोला हुआ कितना सही हो गया बार ऐसा हुआ है हम गाड़ी में बैठे जगह अंदर से डिसाइड करके और बाहर निकल गए खाली सही में नाइस ये रहा हमने ये डिसाइड करा
गाइस खापी के हम बाहर निकल चुके हैं। यस, हम लोग खापी के बाहर निकल चुके हैं। फुर्ती लाया था। एंड क्या मस्त खाना था यार, सही में ऐसी ना कांजी बनती थी, मतलब अभी भी बनती है मेरे घर में, मैंने खाई है कांजी और उसका रस होता था, जूस होता था, मेरी मौसी बनाती थी, तो वो पूरा वही कांजी वाला टेस्ट था। मैंने है बट लिटरली और कहीं ऐसा सर्व नहीं हुआ था कभी भी। हम इस पिटा के साथ तो हमारी गाड़ी आ चुकी है, मतलब हेल्दी शेफ पे भी इतना अच्छा नहीं लगा मस्त पिटा। तो मेरे मुंडी के पीछे से क्यों बोले जा रहा है आप? बोल मेरी मां से हो गया था, हमारी गाड़ी नहीं आ चुकी, हम आ चुके हैं, गाड़ी तो वही थी, हमारी गाड़ी आ चुकी है, गाड़ी तो वही थी, सॉफ्ट थी, चलो बैठो, मेरी सॉफ्ट थी और इसने मुझे सॉफ्टी के साथ प्रपोज करा था। सॉफ्टी का? हां अच्छा, मैं इसका मैंने कब प्रपोज करा तेरे को बे? आपको एक चीज तो बताना भूली गई, लाइक जो मैंने थोड़ी सी डमगिरी कर दी, हम जब जोमेटो पे देख रहे थे कि कहाँ खाने का नहीं, हम उसमें प्रो ऑफर्स पे देख रहे थे, तो प्रो ऑफर्स में लाइक मैंने देखा कि उसमें 10% ऑफ है लगा अभी अभी, और ये तब गूगल पे उसके रिव्यूज देख रहा था, तो मैंने देखा नहीं कि वो 10% ऑफ डिलीवरी पे था, ना कि डाइनिंग पे। हम जाके बैठ गए, चलो और हम जाके बैठ गए, यस कि प्रो है, चलो ठीक है, रेट भी हमें सही लग रहे थे कि प्रो के साथ तो और थोड़े सही हो जाएंगे, बट हमें वो पूरे पे ही हो गया, तो हमने पे करा, हमने बोला भैया प्रो कर रहे हैं, हाँ हो जाती कंफ्यूजन भाई, एक तो ये भूखा था, भूख में जल्दी जल्दी कर रहा था। तू भी अपनी भूख का बोल जल्दी जल्दी। हाँ मैं भी भूखी थी भाई, तो दोनों का मिला के जल्दी जल्दी कर रहा था, तो मैं थोड़ा देखना भूल गया, मैं डाइनिंग सेलेक्ट करना भूल गया ऊपर से, तो अब मैं बेल्ट लगा लेती हूँ एंड फिर हम आपको घर पे मिलते हैं, क्योंकि ये तो अपने दोस्तों के साथ जा रहा है, तो मेरे को घर छोड़ेगी ना। हाँ यस, एंड हम आपको अपने घर पे मिलती हूँ। सो लकी टू बी योर्स, बाय गाइस, बुक तो इसको हम मिलेंगे अगले व्लॉग। ओके जे लो गाइस, इसको ऑल द बेस्ट गाइस, बाय। सो मैं अभी आपको घर जाके क्या अपडेट देती हूँ, देखते हैं क्या अपडेट देते हैं। सी यू। अच्छी तो गाइस हम घर आ गए थे एंड ये बाहर जाने के लिए मस्ती कर रही है और ऐसे मुझसे नाराज होकर बैठी हुई है, तो अभी बस मैं अपना व्लॉग एडिट करूँगी क्योंकि मुझे वो 8 बजे डालना है, तो या अभी मैं बस वो एडिट करूँगी एंड फिर हम इसको लेके जाएंगे एंड उसके बाद अभी मैं पापा की वेट कर रही हूँ, अभी तक तो वो आए नहीं है, तो मैं उनकी वेट कर रही हूँ, फिर आएंगे तो उसके बाद फिर हम उनके साथ चाय पार्टी करेंगे, शाम की चाय, यस शाम की चाय, तो या तब तक के लिए देखते हैं, अपना एडिट करते हैं, काम खत्म करते हैं। तो गाइज आज आप व्लॉग में वो देखने वाले जो आपने मेरे व्लॉग में कभी नहीं देखा होगा एंड ना ही मेरे मुंह से कभी सुना होगा एंड लाइक इतने सालों में मेरी लाइफ में इतना टाइम बाद हो रहा है, जो कि है कि मैं अपनी एक बचपन की दोस्त से मिलने जा रही हूँ, वो थोड़ी कैमरा कॉन्शियस है तो आई डोंट नो कि मैं उसको व्लॉग में दिखा पाऊंगी या नहीं, बट या तो मैं अभी उससे मिलने जा रही हूँ, मेरी कुछ दिन पहले अभी उससे बात हुई थी रैंडमली, कि पता नहीं क्यों मैं रैंडमली जस्ट बात हुई थी, मेरा मन कर रहा था उसको मैसेज करने का, मैंने जस्ट उठा के उसको मैसेज कर दिया था, एक्चुअली मैं अपने फोन का डाटा ट्रांसफर कर दी या तो मैं अपने फोन का डाटा ट्रांसफर कर रही थी एंड फिर बहुत दिनों से ना मेरा उससे बात करने का मन भी हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो अब मैसेज कर ही देते हैं, तो मेरी उससे बात हुई और हमने लाइक प्लान बनाया था, तो मैंने सोचा अभी सुबह भी गया हुआ है तो मेरे पास, मैंने अभी एडिटिंग भी अपनी थोड़ी बहुत कर ही ली थी, तो मेरा मन हो रहा था कि उससे मिलने थे, तो मैंने उसको मैसेज करा कि आर यू फ्री, तो या वो फ्री और मैं फाइनली उससे मिलने जा रही हूँ, तो लेट्स सी मैं उससे आपको मिलवा सकती हूँ या नहीं, बट आई होप कि वो बहुत ज्यादा ही कैमरा कॉन्शियस है, मैं खुद अभी इतने टाइम बाद उससे मिल रही हूँ, तो लेट्स सी कैसे जाता है, अगर हो सकेगा तो मैं आपसे मिलवाऊंगी, नहीं तो फिर आप उसकी सिर्फ आवाज सुन लेना, लाइक वी विल बी हाय, ओके लेट्स सी। लुकिंग फॉर अ बार इन द नियरेस्ट टाउन, आई नेवर सीन अ स्काई सो ब्लू, वी डोंट हैव अ प्लान इन द नाइट।
सभी दोस्त मिल के वापस घर को आ चुके हैं. एंड जैसे कि मैंने बोला था कि वो थोड़ी कैमरा कॉन्शियस है, तो लाइक वो कैमरे के आगे नहीं आएगी, तो वही हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं. अभी हम लोग कैचअप भी कर रहे थे एंड हमने अब तो वापस रिन्यू हो गया, तो हमने डिसाइड करें कि हम रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगे. तो मे बी इन फ्यूचर समटाइम हम उसको थोड़ा खोल रहे जैसे हम आपके साथ खुल चुके हैं. तो या होपफुली, लेट्स होप फॉर दैट. तो अभी हम बस पापा जी की तैयारी करेंगे अब तो, एंड आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में. तो टिल देन डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन, एंड ऑब्वियसली व्लॉग अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर द वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.